समझ में बात क्यों नहीं आ रही यार, थोड़ी देर तो रखने दो, वापसी दे आऊंगा। इसको चार बाहर निकाल दो, मोती को इसको बाहर निकाल दो, वो बचपन से रह रहा है यहाँ, इसको बाहर निकाल दो थोड़ी देर के लिए, इसको उधर लेके जाता हूँ, उस वाली जगह पे। अगर इसने किसी बर्ड को नुकसान किया ना, तो जिम्मेदार तुम खुद होगे, सही है? डॉग नहीं करता नुकसान। मैंने उसको बोला है कि भाई इसको वापस करके आओ। यार ये फिर लेके, ये क्या मजाक है यार। तुम सब क्या देख रही हो भाई, तुम्हारे घर के लिए ही मंगवाई है हमने ये सारी चीजें। तो दोस्तों अभी ना हमारे जो फार्म है ना, उसकी छत यहाँ पर आ चुकी है। ये वाली जो स्लैबें है ना दोस्तों, ये हमने मंगवाई है अपने फार्म की छत डालने के लिए। तो अभी ना शहरोज और ये भाई इनको उतार रहे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सारी स्लैब ना यार हमने उतार कर यहाँ पर रख लिए हैं यार। अब इन स्लैब को ना हम अपने फार्म के ऊपर रखते हैं, कैसी लगती हैं यार, पूरी आती हैं या नहीं? चलो यार दोनों पे डाल देते हैं छत यार, इस कचरे को खत्म करते हैं आज। चलो यार दोस्तों अब ना हमारे ये वाले गेजेस इंशाल्लाह जल्द ही टूट जाएंगे। सारी स्लैब को ना हम यहाँ पर रखते हैं और इनकी प्यारी सी छत डालते हैं। पहले इस वाले पे रख के तो देखें फिट आती है कि नहीं। दोस्तों फाइनली हमारे फार्म की छत यहाँ पर डल चुकी है और यार ये तो माशाल्लाह से काफी प्यारी लुक दे रहा है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। लग रहा है यार, अभी तो इसके ऊपर कलर होगा ना, फिर ज्यादा कलर होगा, हो सकता है इसके ऊपर टाइल भी लगे यार, बहुत खूबसूरत लगेगा फिर तो यार। दोस्तों जो ये वाला केज है ना, इसको भी हम बनवा देंगे प्यारा सा, इसका चिकन कूप बनवा देंगे या फिर कोई बजीज वगैरह की या फिंचिस वगैरह की कॉलोनी भी बन सकती है। तो इसको भी ना हम बिल्कुल न्यू कर देंगे। तो इसको अभी उठा के ना हम किसी साइड पे वहाँ पर रख देते हैं और इस वाले केज को भी ना हम तोड़ देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार है और बहुत ही बुरा लग रहा है। आज सुबह से हमारे सारे पिजन्स बंद हैं, इनको भी खोल देते हैं क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा दिल करता है भाई बाहर आने का, उड़ने का। उड़ ये इसलिए नहीं सकते क्योंकि दोस्तों हमने ना इनके सारे पर कट कर दिए थे ताकि ये यहाँ के आदि हो जाएं। अभी देखे आ गए हैं, अभी ऑलमोस्ट ना सारे आदि हो चुके हैं यहाँ के। अब जब इनके पर आ जाएंगे ना तो ये हवा में यहाँ पर उड़ा करेंगे, कोई इधर बैठा करेगा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। आ जाओ भाई सारे बाहर। और भाई हमारा ढोलू देखें, सुबह से बाहर ही घूम रहा है, इसको हमने बाहर निकाला था, अब इसका अंदर जाने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन यार इसको ना हम मास्टर केज में छोड़ देंगे क्योंकि यार हमारी चकोरे और मुर्गियां इसको मारती हैं। चलो भाई अपने घर में जाओ। चलो क्या हुआ है, ओए क्या हुआ? ओ दे, ये कहां से लेके आए हो यार? किसी से लेके आए हो यार? क्या हुआ है मोती यार, इसको बाहर लेके जाओ यार, यार बाहर लेके जाओ, एक दफा बाहर लेके जाओ। क्या हुआ है मोती, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ यार। ये पता नहीं कहाँ से डॉग लेके आया है यार, ये कहाँ से लेके आए हो यार? ये मैं एक दोस्त से लेके आया हूँ यार, जू में रखने के लिए। ये देखो यार, ये तो अटैक कर रहा है भाई, ये बहुत अच्छा डॉग है यार, इसको देखो तो सही एक दफा। मैंने देख लिया यार भाई, हमारे जू का ना माहौल खराब हो रहा है सारा, हम इसको नहीं रख सकते यार। क्यों नहीं रख सकते, कुछ नहीं होता यार, ये मोती के साथ रहेगा, दोस्ती हो जाएगी इनकी। दोस्तों शहरोज ना यार पता नहीं कहाँ से एक न्यू डॉग लेके आ गया और हमारे जूम ने इतना ज्यादा शोर हो गया, हमारा मोती ना जोर जोर से यार पता नहीं इसको क्या हुआ है उस पर भौंकी जा रहा है। मैंने उसको बोला है कि भाई इसको वापस करके आओ। यार ये फिर लेके, ये क्या मजाक है यार, तुम्हारी समझ में बात क्यों नहीं आ रही यार? थोड़ी देर तो रखने दो, वापसी दे आऊंगा, इसको चार बाहर निकाल दो, मोती को इसको बाहर निकाल दो, वो बचपन से रह रहा है यहाँ, इसको बाहर निकाल दो थोड़ी देर के लिए, इसको उधर लेके जाता हूँ, उस वाली जगह पे। अगर इसने किसी बर्ड को नुकसान किया ना, तो जिम्मेदार तुम खुद होगे, सही है? डॉग नहीं करता नुकसान, देख लेना। हाँ, देख लेना।
यार हमारे सारे पेट ना ये देखो सहम गए हैं, सारे इधर डर के खड़े हैं, कोई इधर खड़ा है सारे, वो सिर्फ न्यू डॉग की वजह से देखो सब डरे हुए हैं। इसको वापसी कर दो यार, देखो यार वो देखो ये भी डर के खड़ी हैं बेचारी, वो देखो वो सारे अंदर चले गए हैं, सारे हमारे पेट्स डर रहे हैं। यार इसको मैं बाहर लेके जाता हूँ, चलो बापी चलो। दोस्तों जैसे ही डॉग जू से गया है ना बाहर, ये देखे सारे पिजन्स भी बाहर आ गए हैं और सारी मुर्गियां सब वापस आ गए हैं यहाँ पर दाना खाने के लिए। ये लो रैम्बो ये लो। दोस्तों आप लोग ना बोलते हैं कि आप सिर्फ रैम्बो को केले ही डालते हो, यार ये ना दूसरे फ्रूट्स खाता ही नहीं है, सेब खाता आधा सारा जाया कर देता है, केले बहुत शौक से खाने लग गया है इसलिए ना हम इसको केले डालते हैं। जैसे ही मैं इनकी डाइट लेके आया ना, खुराक लेके आया हूँ, देखें सारी ऊपर आ गई हैं। अब ना इनको पता लग गया मैं इनको डाइट डालता हूँ ना तो मुझे देखते ही ऊपर आ जाती हैं। ये देखें माशाल्लाह से सारी मछलियाँ हमारी ऊपर आ गई हैं। ये लो भाई ये लो, अब बिल्कुल भी नहीं डरती दोस्तों ये हमसे। पहले ना शुरू में डर रही थी लेकिन अब देखें सारी आके खा रही हैं। ये देखें छोटी देखें कैसे आती हैं, एकदम से दाना लेके भाग जाती हैं फौरन से नीचे। हाँ भाई क्या चाहिए, ये देखें दोस्तों सारे ना डाइट खाने के लिए आ गए हैं, मेरे हाथ में दाना देख के भाई ये देखो सब आ गए हैं। इनका दाना भी चेंज कर देते हैं, देख लेते हैं इनका दाना है या नहीं। ये देखें दोस्तों दाना तो है लेकिन इन्होंने ना सूरजमुखी और ये वो सारा खा लिया है। ये देखो ये भी आ गई है इधर, चलो इसमें दाना डाल देते हैं ये वाला। दोस्तों मैंने ना यार दाने को अच्छी तरह से साफ करके ना चेंज कर दिया, ये देखें सारे पैरेट्स आ गए हैं खाने के लिए। और यार मुझे ना यहाँ पर बजीज बहुत ज़्यादा कम लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं यार ये। और मुझे ऐसा लग रहा है कि बजीज के लिए ना हमें अलहदा से कॉलोनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ना लव बर्ड भी और हमारे ये ग्रीन पैरेट है ना सबको मारते हैं अक्सर ना, मैंने देखे इसमें से ज़ख्मी हुए पड़े हैं। देखिए कुछ पैरेट्स ना हमारे ज़ख्मी है, जैसे हमारे लव बर्ड ने या फिर ये जो ग्रीन पैरेट है ना इन्होंने इनको मारा है, तो इनके लिए ना मुझे लग रहा है अलग से कॉलोनी बनानी पड़ेगी तभी ये खुश रहेंगे। दोस्तों अब ना मैं रोज़ कबूतरों को अलग निकाला करूंगा और फिर इन सबको ना अलग निकाला करूंगा, क्योंकि ये ना किसी भी कबूतर को दाना नहीं खाने देते, सबको मारते हैं। आधे देखे अंदर चले गए हैं, ये देखें आधे अंदर चले गए हैं आधे बाहर हैं, वो भी बेचारे इधर उधर ही घूम ही जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज।